कहते जी कि शादी के बाद मियाँ बीवी जो है वो किसी जगह हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, क्यों ना जाएं जी, मियाँ बीवी हैं, जहाँ मर्जी आए जाएं। क्या ये सच है कि रोने से रूहों को तकलीफ होती है? हाँ, जो लोग मातब करते हैं उससे तकलीफ होती है, जो कि वो शरीयत में मना है। मेरी उम्र 17 साल है, मेरी दाढ़ी आती है, मैं रखना चाहता हूँ। अम्मी नहीं मानती, इसमें अम्मी की बात नहीं, हजूर की बात चलेगी। आप दाढ़ी रखें, इस पर माँ नाराज होती है तो होती रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व इज्जत अतरतही बे अदद कुल्ले मालमा, ये भी ठीक है, दुरूद शरीफ है। मुझे वहम का मसला है, दिल में डर लगा रहता है, कोई कुछ मेरे शोहर को बता ना दे। आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम डरती रहती हो? खाम खा बिला वजह का वहम पाल रखा है, ला हौल पड़ा करो बस, जब ख्याल आए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैयत मरने वाले घरों में से मैयत के रिश्तेदार मैयत तीसरे दिन आते हैं मैयत के घर वालों के कपड़े धोने के लिए, ये सब रिवाज है, इसका कोई शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। सारा साल नहीं आते, जब कोई मर जाए कपड़े धोने के लिए आ जाते हैं, ताकि कुछ हमें भी मिल जाएंगे। वो घर वाले भी तो जिंदों के हम नहीं देते, मुर्दों को ही देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक होती थी मिरास में, एक होती थी, नाम मैं भूल गया, तो वो हमेशा बड़ा प्यार करती थी मुझसे, कहती बेटा पता है आपको कि मौलवी और मिरासी में क्या फर्क है? हाँ, वस्सो भाई उसका नाम था, अब जी याद आ गया। तो मैं छोटा था, पढ़ता था, 7-8 साल के तो खैर में था, तो वो मुझे हमेशा कहती बेटा बात सुनो, मौलवी और मिरासी में क्या फर्क है? मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मौलवी मरने की दुआ करता है, मिरासी शादी की दुआ करता है। कहा वो कैसे? उन्होंने कहा मरेगा कोई तो मौलवी को बुलाएंगे ना, फिर कुल शरीफ होंगे, जो बनाते शरीफ होंगे, चालीसवां शरीफ होगा, हमें कुछ शादी होगी तो बुलाएगा, मरने पर कोई मिरासी को बुलाने के लिए बुलाता है? पर ये आपका हमारा फर्क है। बड़ी अजीब थी, अल्लाह अल्लाह बख्श दे। अब तो यकीनी बात है, फोटो सोच भी वो बूढ़ी थी।